नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं नीलू व्यास। आप देख रहे हैं कि क्या कुछ उत्तर प्रदेश की बीजेपी यूनिट में हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष, इनफाइटिंग, अंदरूनी लड़ाई, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं जो कि बीजेपी में पहले कभी नहीं दिखती थी। इस समय योगी आदित्यनाथ के हाथ में कितनी चीजें हैं ये पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मीटिंग्स का सिलसिला, कल आपने देखा कि हाई प्रोफाइल बैठक भूपेंद्र चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हुई, और फिर उसके बाद राज्यपाल को मिले योगी आदित्यनाथ, उसके बाद आपने देखा कि जेपी नड्डा से अलग से केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग हुई थी। यानी कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का शर्मनाक नतीजा लोकसभा चुनाव में आया है, बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। और उसके पहले भी आपने देखा कि कई ऐसे वीडियोस वायरल हुए थे, जिस जैसे कि रमेश मिश्रा जो बादलापुर के एमएलए थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि वो कह रहे थे कि अगर बीजेपी संभली नहीं तो 2027 का चुनाव उसके लिए जीतना मुश्किल होगा। उसके बाद आपने मोती सिंह का एक वीडियो देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि जो नौकरशाह हैं वो इतने ज्यादा हावी हो गए हैं कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका काम करना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर जो स्थिति है इस समय बीजेपी का, जो उत्तर प्रदेश का जो यूनिट है, वहां पर चीजें ठीक नहीं है। और मजे की बात यह है कि जो भी हालात हैं उस पर अभी मोदी जी का कोई बस नहीं चल रहा है, ना अमित शाह का बस चल रहा है। दोनों की हिम्मत नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को हटा दे। तो ऐसे में ये सारी चीजें किधर को जाएंगी और बीजेपी क्या अपने आप को संभाल पाएगी। इस समय हमारे साथ बीजेपी के ही खास नेता नरेश सिरोही साहब हैं, जो पिछले 40 सालों से ज्यादा हो गए वो बीजेपी के साथ जुड़े हैं, बड़े किसान नेता हैं। अरुण जेटली के साथ भी इन्होंने बहुत क्लोजली काम किया है। नरेश सिरोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और मुझे याद है चुनाव के दौरान मैंने आपसे एक बार बात की थी और जिस तरह से चीजें उस समय चल रही थी तो आपने खुद बताया था कि कार्डर्स को कंसल्ट नहीं किया गया है, उनको बिल्कुल केंद्रीय नेतृत्व ने अलग कर दिया। और आज जब मैं आपसे 18 जुलाई को बात कर रही हूं तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो क्या कुछ चल रहा है, क्या वाकई में चीजें बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा खराब हो गई उत्तर प्रदेश में? जी सर। नीलू जी, देखिये, मैं एक बात जिसके ऊपर पूरा मीडिया में हंगामा है वो है केशव जी का बयान कि सरकार से संगठन बड़ा है। तो मेरा कहना ये है कि ये मैंने देखा कि अटल जी की जब सरकार थी और उस समय भी इस तरह की बातें उठती थी, लेकिन हमेशा अटल जी ने भी कहा, ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार सरकार होती है और संगठन संगठन होता है। संगठन जो है उसी के कारण सरकार बन पाती है, तो इसलिए संगठन तो सर्वोपरि होता है, संगठन की भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। तो इसमें कोई, केशव जी ने जो बात कही है मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई बहुत नई बात है। ये एक सामान्य कार्यकर्ता भी इसी बात को कहता है कि संगठन हमेशा सर्वोपरि है, बड़ा है। लेकिन एक बात इसमें मैं और जोड़ देता हूँ, जब सरकार बन जाती है तो संगठन से बहुत महत्वपूर्ण जो लोग होते हैं वो सरकार में चले जाते हैं, इसलिए संगठन का कद हमको लगता है कि वो थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन असल में जो महत्वपूर्ण लोग हैं वो संगठन की जगह सरकार का हिस्सा बन जाते हैं, इसलिए सरकार, ऐसा लगता है कि सरकार बहुत बड़ी हो गई है और जो संगठन के लोग हैं वो बहुत छोटे हो गए। तो इस बात को जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं पूछना चाह रही हूँ कि आखिर इस समय जो डोर है वो किसके हाथ में है, योगी आदित्यनाथ के हाथ में है या फिर अमित शाह और मोदी जी के हाथ में है? क्योंकि जिस तरीके का नतीजा आया है, जाहिर सी बात है कि वहां पर बीजेपी के फेवर में कुछ नहीं है जमीन पर। जी, कि देखिए, योगी जी हिंदुत्व का अब बड़ा चेहरा, बड़ा ब्रांड बन गए हो और उनके नाम पे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में वोटरों का एक बड़ा वर्ग उनके पीछे है। मोदी जी के बाद आज सबसे बड़ा अगर कोई हिंदुत्व का चेहरे के नाम पे पहचान है पार्टी के अंदर तो वो योगी जी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। पार्टी जब भी कोई अगला कदम उठाएगी तो उसमें योगी जी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, और मुझे ऐसा लगता नहीं।
नहीं, लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि योगी जी को इग्नोर नहीं किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके की ताबड़तोड़ मीटिंग्स हुई है, भूपेंद्र चौधरी को कल प्रधानमंत्री मिले और उसके बाद ये अटकल तेज हो गई कि केशव प्रसाद मौर्य चाहते हैं कि भाई योगी जी को हटा दिया जाए और उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो बचा खुचा समय है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है बीजेपी में, क्या गड़बड़ हो रही है सर? क्योंकि ये बात अगर आप कहेंगे कि कार्यकर्ता बड़े खुश हैं तो मैं तो ये मान नहीं सकती हूँ। जो नतीजे आए हैं उससे कार्यकर्ता खुश नहीं है, लीडर्स खुश नहीं है, गुटबाजी सामने आ रही है, तो फिर क्या हो रहा है? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। देखिए, चुनाव की हार का जो मसला है वो तो मैंने आपको चुनाव से पहले, चरण से पहले बताया था कि कार्यकर्ताओं में जो संगठन की व्यवहार है उसके कारण भारी निराशा, और उस भारी निराशा का परिणाम भी उत्तर प्रदेश में तो सामने आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब मसला ये है कि अगर योगी जी की या बाकी की बात करेंगे तो योगी जी का कोई विकल्प जो है ना, जिनको आप नाम ले रही हैं वो ठीक है, बहुत अच्छे आदमी हैं। जी साहब, विकल्प की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि हार का ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा जाए। मोदी जी ने अपने नाम पे पूरा चुनाव लड़ा। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। योगी मोदी जी ने कहा मोदी की गारंटी, हर जगह मोदी मोदी था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में इतने शर्मनाक नतीजे आए तो अब योगी की बारी कैसे आ जाएगी कि भाई योगी की बलि चढ़ा देंगे क्या? आज प्रधानमंत्री, एक सेकेंड, प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी क्यों लेने से कतरा रहे? देखिए, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसके जो मोदी जी के काम थे या उनकी जो प्रतिभा थी उसको आगे बढ़ाने का, कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाने का और कार्यकर्ताओं के द्वारा जनता के बीच में ले जाने का जो काम था वो संगठन का था पूरी तरह से, और उसकी कमान माननीय अमित शाह जी संभाल रहे थे और जो भूपेंद्र चौधरी संभाल रहे थे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जी जी हाँ बोलिए। तो उसमें जो है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो जिम्मेवारी, नहीं जिम्मेवारी तो सामूहिक ही होती है, सबका अपना अपना रोल होता है, तो उसमें किसी पर जिम्मेवारी ऐसे नहीं डालनी चाहिए, लेकिन संगठन की भूमिका होती है। आज आज तो सब लोग यही कह रहे हैं ना कि भाई इतनी शर्मनाक हार के बाद जब 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया था कि भाई हम तो 400 पार करेंगे, 400 पार क्या, ये 80 सीटों में आप देख लीजिए क्या रिजल्ट रहा, 33 सीटें पर आकर बीजेपी सिमट गई, तो कोई अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स की जाएगी कि यूपी में क्या हुआ? कोई पूछेगा भी नहीं और कहेंगे कि सामूहिक हार है। नहीं नहीं, निश्चित रूप से जो हमारी संस्कृति है, जो लीड कर रही है, उसी की जिम्मेवारी बनती है कि निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इस हार का ठीकरा, और दूसरी बात, हार हुई है तो उसको जो पछाने का मादा है वो भी होना चाहिए, हार जीत तो लगी रहती है, इसमें कोई ऐसा विषय बड़ा विषय नहीं है, लेकिन उसके कारणों का जो है अपने को सबक लेना चाहिए कि हमारे से कहाँ चूक हुई है। और नड्डा जी का बयान आया कि संघ की अब कोई हमको जरूरत नहीं है, या तो उस पे संघ के कार्यकर्ताओं में भी एक निराशा आई और उन्होंने भी थोड़ा सा अपना रवैया ढीला किया, और संगठन के कार्यकर्ता पहले से ही थोड़ा आहत थे संगठन की गतिविधियों को लेके। तो जो मूल कैडर है, जो विचार वाले कार्यकर्ता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बाद में कार्यकर्ता है या वो है तो उनका मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, उनसे कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन जो वैचारिक कार्यकर्ता है, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर वोट ले जाने का जो काम करता है, हर सीट पे जो है हमारा वोट घटा है, लगभग कहीं बहुत बढ़ा नहीं है ऐसा दिखाई नहीं देता है, तो जो वोट घटा है वो कार्यकर्ताओं की निराशा के कारण घटा है, और उसमें संघ के कार्यकर्ताओं का भी थोड़ा उदासी जो है वो झलकी है। आपने दो बड़ी बातें कही सिरोही साहब, आपने दो बड़ी बातें कही कि एक संगठन में निराशा थी, काडर ने उतना हेल्प नहीं किया, नड्डा जी का एक बयान था जो कि उन्होंने कहा कि संघ की जरूरत नहीं है, उससे भी काफी निराशा हुई। अब अगर ये सब चीजें, सारे कारण आप मिलाकर बता रहे हैं कि ये एक बड़ी वजह थी कि यूपी में चीजें नहीं हो पाई बीजेपी के मुताबिक, तो आज फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर ये ठीकरा फोड़ा जाएगा? तो फिर तो उनसे भी हिसाब मांगना चाहिए कि भाई 400 का पार का उन्होंने नारा दिया था, और अगर अमित शाह और भूपेंद्र चौधरी की ये जिम्मेदारी है तो फिर अमित शाह अपना इस्तीफा दे। क्या आप लोग इस चीज की डिमांड करेंगे?
नहीं देखिए, खाली इसलिए किसी का इस्तीफा मांग लेना वो ठीक नहीं है, चूक होती है, इंसान से चूक होती है, लेकिन अपनी जो रणनीति है उसमें जहां चूक हुई है उसको स्वीकार करने में बड़प्पन ही होता है, उसमें छोटापन नहीं होता। यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो कितने यूपीए के मंत्रियों का इस्तीफा मांगा गया था, ये तो सबसे सबको पता है, एक नहीं पता नहीं कितने सारे मंत्री थे जिनका इस्तीफा मांगा गया था। तो आज फिर ये चीज क्या बीजेपी पे लागू नहीं होगी? नहीं, वो सब पे लागू होती है, उसमें कोई ऐसा बड़ा विषय नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि खुले मन से अपने को समीक्षा करनी चाहिए, बड़ा मन रखना चाहिए, और ये ठीकरा एक दूसरे पे फोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, है भी नहीं उसकी। और वो कहते ना, जो युद्ध भूमि में है वो, जो रणभूमि में है वो, जो बड़े लड़ाके होते हैं वही गिरते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि यही गिरे हैं, लेकिन खुले मन से स्वीकार करो, अपनी जो चूक हुई है उसको मानो, और कार्यकर्ताओं का विश्वास उन्हें जीतो। जब तक कार्यकर्ताओं का आप विश्वास नहीं जीते, दूसरी बात, जो नेतृत्व ने बाहर से भ्रष्टाचारियों को लेके आए और तमाम तरह के ऐसे पार्टी में जो कूड़ा करकट इन्होंने भरा, उसका भी बहुत भारी नुकसान हुआ है, उसको सुधारो और अपने मूल कैडर को संभालो, अपने जो विचार से जुड़े हुए शासक हैं उनको संभालने की जरूरत है। सिरोही साहब, आपको लगता है कि अगर योगी नहीं, तो अगर आपको लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा जाएगा तो उससे क्या चीजें सुधर जाएंगी पार्टी में यूपी के? नहीं, मुझे नहीं लगता है नीलू जी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि कोई योगी जी से इस्तीफा मांगेगा। आज की तारीख में मोदी जी के बाद सबसे बड़ा हिंदुत्व का जो चेहरा है या बीजेपी की जो पहचान है वो आदित्य योगी है, दूसरा कोई नहीं है उसने मुकाबले का। और उसके बाद अगर पब्लिकली कहीं ज्यादातर जो स्वीकारता है साख का मसला है तो वो नितिन गडकरी, ये दो लीडर हमारे ऐसे हैं जो मोदी जी के। लेकिन सिरोही साहब, ये भी तो नहीं, सिरोही साहब, लेकिन ये चीज तो छुपी नहीं है ना कि योगी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, योगी के ऊपर पूरी तरह से उनका घेराव किया जा रहा था, उनको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही थी। पिछले 3-4 दिन में हमने ये सारी चीजें देखी, पूरे देश ने देखा। नहीं देखिए, योगी जी के ऊपर दबाव बनाने की अभी मुझे लगता नहीं कि किसी का इतना बड़ा कद है कि वो योगी के ऊपर दबाव बना लेगा, और योगी जी भी दबाव में आ जाएंगे। आप ये देखिए कि जिनकी चर्चा कर रही है उनकी अपनी जो पृष्ठभूमि है वो किस तरह की है, पब्लिक फिगर में, पब्लिक में उनका क्या रोल है, तो उसमें बहुत फर्क है। ऐसे नहीं कर सकता है कि योगी जी को इग्नोर कर दे। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि योगी को इग्नोर करना मुश्किल है, लेकिन अब जिस तरह से मोहन भागवत ने भी एक तरीके से ट्रोलिंग शुरू कर दी है मोदी जी की, आज आपने देखा होगा मोदी जी को ट्रोल करते हुए उन्होंने कहा, झारखंड में थे जहां पर उन्होंने कहा कि देखिए कुछ लोग अपने आप को अविनाशी बताते हैं, कुछ अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, इस तरीके का कटाक्ष मोहन भागवत ने आज मोदी जी पर किया है। तो ये सब बातें जब पब्लिक डोमेन में सामने आ रही तो इसका कुछ तो असर पड़ेगा ना सर, और आज लोग बात तो करेंगे जरूर। नहीं, मैं तो एक बात कहता हूँ कि जब नड्डा जी का बयान संघ को लेके आया था तो मोहन भागवत जी को चाहिए था, मतलब मैं कार्यकर्ता के नाते कहता हूँ कि जो हमारे संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष जी, जब आपकी जरूरत नहीं है वहां तो बीएल संतोष जी क्यों बैठे हैं वहां, अपना बिस्तर उठाएं और अपने वापस मूल संगठन में आ जाएं, और जितने भी संगठन मंत्री हैं सबको मूल संगठन में आ जाना चाहिए, जब आपकी जरूरत नहीं है तो क्यों। तो मोहन भागवत जी से तो मुझे ये अपेक्षा थी कि कम से कम मूल संगठन में या तो नड्डा जी स्पष्टीकरण देते उस चीज का, अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया है तो संघ के द्वारा जो भेजे गए हमारे प्रतिनिधि हैं संघ के उनको वापस आ जाना चाहिए था, बुला लेना चाहिए था, अभी तक वहां क्यों बैठे हुए, बात तो ये है। बाकी पूज्य भागवत जी ने तो जो उनको लगा वो उन्होंने अपना टिप्पणी की है, और ठीक है, वो सबका अपना सोच है। मान लो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मुझे किसी बात का इसमें कोई गुरेज नहीं है कहने में, जहाँ
अगर पार्टी में कहीं सुधार होता हो, पार्टी में जो कार्यकर्ताओं की बात लेकिन रोहित साहब संघ और मोदी जी के बीच में जो भी डिफरेंसेस हो, लेकिन लगातार मोदी जी के अहंकार की बात की है मोहन भागवत ने, इसके पहले भी बात की, आज भी वो जिस तरीके से कटाक्ष करते हुए बात कर रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि कोई अपने आप को विश्व स्वरूप या भगवान नहीं समझ सकता, अपने आप को देवता नहीं समझ सकता, आज वो लगातार इस बात को कह रहे थे। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी जी का जो अहंकार है वो पार्टी को ले डूबा और इसी तरीके से यही कारण है जिस तरीके से शर्मनाक नतीजा दिखा है यूपी का खासकर? नहीं, देखिए जो मुझे लगता है संगठन में जो अभी कमान संभाल रहे हैं ना, और जिस तरह के लोगों को उन्होंने कमान दी हुई है, उनमें अहंकार बहुत ज्यादा है। कार्यकर्ताओं से सीधे मुंह बात करने के लिए भी उनकी वो तैयार नहीं है। तो बड़े का अहंकार तो चलो, उनके जो प्यादे हैं अगर उनमें भी घोर अहंकार है और पूरे संगठन को जिस तरह से उन्होंने नीचे तक बर्बाद किया है, किस तरह से संगठन में नियुक्तियां हुई हैं, बाकी तमाम प्रश्न हैं, उन पे सोचने की और विचार करने की जरूरत है और खुल के विचार करने की जरूरत है। इसमें कोई नहीं, लेकिन आप इस बात को मानते हैं सिरोही साहब, आप इस बात को मानते हैं कि मोदी जी का अहंकार कहीं ना कहीं पार्टी को ले डूबा है और वही अहंकार कार्यकर्ताओं में दिखा? नहीं, देखिए जो मूल कार्यकर्ता है उसमें कोई अहंकार नहीं। सबसे बड़ी जो नीलू जी वजह है वो सबसे पहले तो ये है, जो कार्यकर्ताओं में बाहर से जो लोग आए और उनमें से अधिकतर वो लोग आए जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उसका कार्यकर्ताओं पे बहुत गहरा असर पड़ा है। दूसरी बात, बाहर के पार्टी के लोगों को लाके आपने टिकट दिया, पहले ही दिन उनको बुला बुला के टिकट लिया। अब ये बताइए कंगना रनौत जी का क्या योगदान है पार्टी में, या इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का क्या योगदान है? दूसरा, किसानों को सरेआम उन्होंने बेइज्जत किया, तो किसानों को भी लगा कि अरे हमें बेइज्जत करने वाले को टिकट दे रहे हैं। बेशक कंगना जी जीत गई वहां, वो अलग बात है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से भी बड़े संदेश गए, कार्यकर्ताओं के मन में निराशा आई है। और चलो आपने बाहर से लाए आए टिकट दे दिया, लेकिन आपने संगठन में भी, कभी संगठन में ये होता नहीं था, संगठन में मूल रूप से कैडर के और विचार से जुड़े हुए जो परिपक्व कार्यकर्ता थे उन्हीं के पास कभी रीति नीति नहीं जानते। आपकी आवाज कट रही है जी सर। हाँ बोलिए बोलिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ बोलिए सर, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज कट रही है सिरोही साहब। हाँ बोलिए सर, बोलिए सिरोही साहब, आपको आवाज आ रही है सर? हाँ सिरोही सर, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, तो मैं ये कह रही हूँ जी। हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। मेरा कहना ये है नीलू जी कि आपने बाहर से आए लोगों को टिकट दे दिया तो समझ में आए कि चलो भाई जिताऊ कैंडिडेट थे, आपने दे दिया उनको, लेकिन बाहर से आए कार्यकर्ताओं को आपने संगठन में पदाधिकारी बना दिया। वो पार्टी की रीति नीति नहीं जानते, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जानते, नए पुराने को नहीं जानते, तो ऐसे लोगों की गलती किसकी है सर? ये गलती किसकी है फिर? ये तो पार्टी नेतृत्व की है गलती, और किसकी गलती? तो पार्टी नेतृत्व में कौन है? पार्टी नेतृत्व में तो मोदी जी और अमित शाह ही है ना, उनको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी ने भी जो अपने नीचे लोग तय किए हैं उनकी जिम्मेवारी भी है। सर नीचे लोगों की गलती कैसे हो गई? ये नीचे के लोगों की गलती कैसे हो गई? आदेश तो ऊपर से आता है ना, तो अगर अमित शाह और बीएल संतोष या फिर जो बाकी लोग हैं अगर उन्होंने आप कोई डायरेक्शन दिया है तो फिर तो गलती उनकी होगी ना, तो क्यों नहीं पार्टी मानने के लिए तैयार है कि ये अमित शाह और भूपेंद्र चौधरी की गलती है? नहीं देखिए, नड्डा जी को आप कैसे छोड़ देंगे बीच में? नहीं नहीं, नड्डा जी को भी ब्लेम करिए, नड्डा जी देखिए संगठन की बागडोर जो है वो नड्डा जी के हाथ में, तो नड्डा जी हो चाहे भूपेंद्र चौधरी हो या और स्टेटों में जो लोग हैं वो हो, अगर जहां जहां इस तरह से हुआ है और कार्यकर्ता जिनके कारण हताश या निराश हुआ है, तो उस हताशा और निराशा की कार्यकर्ताओं को जो किया है
उनकी जिम्मेवारी है सीधे सीधे, और पार्टी के चाहे तो फिर सिरोही साहब ये तो आप बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं जो कि कोई बीजेपी का नेता नहीं बोलता है, आप तो खुद बीजेपी में हैं, आप अगर इस बात को कह रहे हैं कि भाई पार्टी का अध्यक्ष अगर इस तरीके से उसने गलती की है, तो मेरा जो सवाल आपसे है कि क्या ये एक नेचुरल डिमांड नहीं होगी कि नड्डा जी रिजाइन करें? अगर नड्डा जी संगठन का काम नहीं कर पाए तो आज नड्डा जी के इस्तीफे की मांग आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग तो इम्पोर्टेंट लोग हैं पार्टी के अंदर, और आप लोग अगर इस तरीके की डिमांड करेंगे तो फिर शायद सुनी जाए बात, ये बातें खुल के क्यों नहीं हो रही है बीजेपी? जी सिरोही साहब, जी सिरोही साहब बोलिए। देखिए नीलू जी, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ आ रही आवाज, बोलिए। जी जी, मेरा कहना यह है कि इसमें डिमांड करने की जरूरत नहीं है, ये अपनी नैतिक जिम्मेवारी होती है कि अगर मेरे से कहीं चूक हुई है तो मैं सिरोही साहब आपकी आवाज फिर से कट रही है इस पार्टी में जो नहीं सिरोही साहब एक सेकंड, आपके बीच में आवाज चली गई थी, आपने नैतिक जिम्मेदारी की बात की, नैतिकता की बात ना मोदी जी करते हैं, नैतिकता की बात ना अमित शाह करते हैं, ना नड्डा जी करते हैं, ये तो आप जैसे बीजेपी लीडर है जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, वरना ऊपर के लेवल पे कौन नैतिकता की किसको पड़ी? ये मैं केवल मैं ही नहीं ये करता, लेकिन बीजेपी का पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपनी नैतिकता अपनी मर्यादा को सब जानता है, इसलिए पार्टी के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे निर्णय ऐसे हो सकते हैं जो हमारे मन अनुकूल ना हो, लेकिन चूंकि सामूहिक निर्णय हुआ है तो पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है, मर्यादा में रहना जानता है, तो वो कई बार चुप हो जाता, लेकिन चुप का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो कुछ जान या समझ नहीं रहा। तो नेतृत्व को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इन बातों से मुंह ना फेरे और समझे स्थिति को। पार्टी तो ये देखिए, हम कार्यकर्ता हैं या जो नेतृत्व अभी फिलहाल है, ये रहेगा नहीं रहेगा, बहुत सारा नेतृत्व कब से आया और चला गया, लेकिन पार्टी तो हमेशा रही, विचार तो हमेशा रहा, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। और ये सबका नैतिक दायित्व है कि वो इस पार्टी की मर्यादा, इसके चाल चलन व्यवहार को समझे और अपने दायित्व पे उसका निर्वहन करे और गलती को स्वीकार करे अगर कहीं गलती हुई है। लेकिन ये जो सीट नीलू जी, ये जो सीट हमारी, ये जो हमारी देश भर में जो सीट घटी है, कहीं बड़ी भी है, तो जो जहां हमारी सीट घटी है तो वो किस कारण घटी है, ये अपने को विचार करना चाहिए। अगर हम 240 सर, आपको लग रहा है कि कोई विचार, एक ईमानदार जो इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए वो हो रहा है? समीक्षा मीटिंग्स की बात तो सुनाई पड़ रही है, लेकिन कहीं भी आपको लग रहा है कि मोदी जी या नड्डा जी इस बात को वाकई में समझने की कोशिश कर रहे हैं? पार्टी की संसदीय दल की बैठक होनी थी जब मोदी जी चुन के आए थे, उसके बाद वो संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं? आज तक लोग सवाल इस पर पूछ रहे हैं, वो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई नहीं, मोदी जी चुन लिए गए, मोदी जी को राष्ट्रपति ने भी बुला लिया, लेकिन आज तक उस पर कोई विचार ही नहीं हुआ। आप कह रहे विचार होना चाहिए, कहां से विचार होगा बताइए? लेकिन देखिए मैं एक बात कहता हूं कि संसदीय दल के जो लोग हैं ये उनका विषय, ये मेरा विषय नहीं है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी करूं ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो उस स्तर पे हैं, जो संसदीय बोर्ड में हैं या जो जिम्मेवार हैं, उनको ये प्रश्न जो भी इस तरह के विषय हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए कि जहां मर्यादा है तो वो उसको बोलना चाहिए, इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, इससे पार्टी का नुकसान होगा। बिल्कुल, जो रीति नीति है पार्टी की, संगठन का जो ढांचा है उसको बोलना चाहिए खुल के, लेकिन कई बार क्या है कि आदमी संकोचवश नहीं बोलता, लेकिन उसका नुकसान तो होता है। एक बात बताइए सिरोही जी, और बड़ी ईमानदारी से बताइएगा, हो सकता है आप इस बात को मुझसे शेयर करें, आपका तो मैं आपको बहुत सालों से जानती हूं, लेकिन अभी जो एक ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन की बात होती है, क्या लोग मोदी जी का लिहाज करके चुप हो जाते हैं कि भाई वो इतने लोकप्रिय नेता है कि अब उनका लिहाज कर करके पार्टी ने अपना ये दुर्दशा कर ली? कितने दिन लिहाज कोई करेगा मोदी जी? भाई मोदी जी की जो उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग है वो बिल्कुल अलग है, वो अपने स्टाइल से चलते हैं, नड्डा जी अपने स्टाइल से चलते हैं, अमित शाह अपनी स्टाइल से चलते हैं, तीनों की अलग अलग स्टाइल है, लेकिन उस स्टाइल में पार्टी मारी गई नहीं? तो
मेरा कहना वही है कि अगर हमारे किसी व्यवहार से या नुकसान होता है संगठन का, तो इस पे अपने को विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर जो मैं कह रही हूँ कि क्या मोदी जी के लिहाज के वजह से सब पार्टी में चुप है, कोई कुछ नहीं बोलता है? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। हाँ नहीं, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं नीलू जी कि हमारी जो पार्टी है उसमें बहुत मर्यादा और एक दूसरे का लिहाज रखा जाता है। इतना कोई वोकल कार्यकर्ता हमारे यहाँ होते नहीं है। हमारे यहाँ मर्यादा का और एक जो आपस का अदब है उसको बनाए रखा जाता है, लेकिन ये सबको सोचना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ऊपर नेतृत्व तो है, चाहे उस संघ में जैसे मोहन भागवत जी ने कहा हो या पार्टी के अंदर भी शीर्ष के बहुत सारे लोग हैं, आपस में एक दूसरे को चर्चा करके और इन विषयों पर बातचीत करनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं। तो क्या बता रहे, क्या ऐसी कोई चर्चा मोहन भागवत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नड्डा जी, अमित शाह, इनके बीच में कोई चर्चा हो रही है? अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि कोई चर्चा हो रही है, सब दूर दूर से तीर मार रहे हैं। अभी आज मोहन भागवत ने एक तीर मारा, उस सीधा लोक कल्याण मार्ग पर जाकर वो तीर लगता है, लेकिन वो मुंह से नहीं बोलते। वही हालत बाकी लोगों की भी है, कोई डायरेक्ट मुंह से बोलता ही नहीं है, तो सबको कैसे पता चलेगा? जो आप बात कह रहे हैं कि चिंतन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, वो कैसे होगा जब इनडायरेक्ट बातें की जाएंगी? नीलू जी, मुझे लगता है ना, अंदर हमारे समन्वयक भी हैं पार्टी और संघ के बीच में, माननीय अरुण जी या बाकी लोग भी हैं। बीएल संतोष जी भी केवल इस काम के लिए बैठते हैं कि जो संघ की भावना है उसको वो वहाँ व्यक्त कर सकें और संगठन के और संघ में समन्वय बिठा सके। अलग से भी एक समन्वयक होते हैं जिस आजकल अरुण जी हैं उस दायित्व पे। तो मेरा कहना है कि उन दोनों लोगों का भी ये सीधे मोहन भागवत जी उस पे हस्तक्षेप करें ऐसी परंपरा नहीं है। कभी इत्तफाक से बैठे, चर्चा अनौपचारिक हो जाए, वो अलग बात है। आपको नहीं लग रहा है सर सिरोही साहब, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जब आराम से बैठेंगे और वो चर्चा करेंगे, लेकिन जो नैरेटिव है देश का वो तो बीजेपी के हाथ से निकलता जा रहा है ना? ठीक है, अभी मिलीजुली सरकार बनाई है, अगर आज नायडू और नीतीश साहब अगर हाथ खींच लेंगे तो फिर क्या होगा? बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। नैरेटिव बनाने में बीजेपी इतना इस समय असफल क्यों नजर आ रही है, बैकफुट पर नजर क्यों आ रही बीजेपी? देखिए ये नीलू जी बहुत जो मैं कहता हूँ मेरे स्तर से ऊपर का प्रश्न है ये। मैं इसमें जो देना चाहिए वो नहीं दे रहा, तो उसमें ऊपर के लोगों को ये सोचना चाहिए कि इससे पार्टी का नुकसान होगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा और विचार का भी नुकसान होगा। और देखिए मैं एक बात और कर देना चाहता हूँ, इस खुशफहमी में है कि वो उनके कारण बीजेपी हारी है, तो ये उसका जो सोच है फिलहाल ये गलत है। पार्टी में जितना भी सीटों का नुकसान हुआ है, पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनकी जो निराशा और हताशा है, संगठन का जो रीति नीति है उसके कारण ये पूरी तरह से ये नुकसान हुआ है। इसको अपने को स्वीकार करना चाहिए। इसमें अगर मैं व्यक्तिगत अपना नफा और नुकसान देखूं कि साहब मेरे से फला जी नुकसान नाराज हो जाएंगे या वो नाराज हो जाएंगे और मैं अपनी बचाने के चक्कर में लगा रहा हूं कि मुझे क्यों मैं बुराई लूं और मैं अपना बचा के रखूं, कहीं मेरा कोई नुकसान ना कर दे, तो इससे काम नहीं चलने वाला। नहीं तो इसका मतलब ये है, अभी मैं आखिरी सवाल पूछ रही हूँ सर, कि आपने कहा कि ये संगठन और संगठन जिस तरीके से चीजों को चला रहा था उससे कार्यकर्ता निराश हुए और इसलिए ये नतीजा आया है, ना कि विपक्ष की उपलब्धि, आप ये कह रहे हैं। तो फिर अगर फिर संगठन की ये गलती है तो फिर आपके हिसाब से हार की जिम्मेदारी या जो भी नतीजा आया है उसकी सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए आपके हिसाब से? मैं नाम चाहती हूँ आपसे कि आप बोले कि किसके ऊपर जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए इसकी। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि इसमें संगठन को पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। संगठन के मुखिया के तौर पर नड्डा जी हैं, तो और नीचे के जितने हमारे यहाँ अगर भूपेन्द्र चौधरी हैं तो वो हैं, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसमें क्या, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी यूपी के लेवल पर उनकी जिम्मेदारी है
और ऊपर के लेवल पर नड्डा जी की जिम्मेदारी है क्योंकि वो संगठन नहीं चला पाए। आप बड़ी बात कह रहे हैं सर। जी 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 जी। और आपके हिसाब से अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कोई गलती नहीं है और उन्होंने अपना पूरा काम किया? देखिए, मोदी जी ने प्रधानमंत्री रहते जो काम करना चाहिए था वो उनको जो विचार के हिसाब से था किया, चाहे उसमें राम मंदिर हो, 370 हो या बहुत सारे मंदिरों का जो जीर्णोद्धार है वो भी उन्होंने किया, और बहुत सारे जो संघ के और विचारधारा से जुड़े हुए जो हमारे समर्थक हैं, जो उनके मन अनुकूल काम होने चाहिए थे सरकार के, उसमें मोदी जी कामयाब रहे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अपना रोल किया, लेकिन एक आदमी के रोल से पार्टी नहीं चलती है, उसका रिफ्लेक्शन नीचे तक जाना चाहिए। तो उसके लिए बाकायदे एक हमारे पास संगठन नामक तंत्र है, उस तंत्र की भूमिका है। अगर नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब नैतिक जिम्मेदारी की बात आपने मेरे इस इंटरव्यू में भी कही, तो क्या नैतिक जिम्मेदारी मोदी जी को नहीं लेनी चाहिए? मोदी जी को हट नहीं जाना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, मोदी जी ने प्रधानमंत्री के बतौर पे जो काम किया है वो उन्होंने, हो सकता है मेरी व्यक्तिगत रूप से किसानों को लेके उनसे कोई बहुत मैं निराश रहा हूँ, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने विचार की दृष्टि से जो पार्टी का मूल काम था उसको खूबी अंजाम दिया है, और सारा काम वही करेंगे, संगठन का भी काम वही कर लेंगे, नड्डा जी का काम भी वही करें, भूपेंद्र चौधरी का काम भी मोदी करें, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी के ऊपर हार का ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए, मोदी जी ने अपना सारा काम किया लेकिन संगठन के लेवल पर जो गलतियां हुई हैं वो नड्डा जी के लेवल पर हुई हैं, आपका नाम लेकर बोला है, ये बड़ी बात आपने कही है। और आपका मेरा जो आखिरी सवाल है, बस चलते चलते बहुत संक्षेप में, अब आप जो भी पार्टी के लेवल पर गलती हुई है, संगठन के लेवल पर गलती हुई है, आपको लगता है कि जो नैरेटिव बीजेपी खो चुकी है अब क्या उसको रिकवर कर पाएगी, चाहे वो 2027 का यूपी चुनाव हो या फिर आने वाले जो तीन राज्यों में अभी दो महीने बाद जहां चुनाव है वहां पे भी? बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में जवाब। देखिए, जो चूक हुई है उनको या जो हम जो गलतियां हमारी हैं उनसे हमें सीखना चाहिए और उनको दुरुस्त करना चाहिए। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ जी का जो पब्लिक के अंदर इमेज है वो बहुत अच्छी है। उन्होंने जो एकदम मैं कहता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ जो स्वच्छ प्रशासन दिया है उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि साहब वो ब्यूरोक्रेसी या जो उस तरह का वो हावी है, तो उस पर भी थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। लेकिन क्या है कि बहुत ज्यादा प्रशासनिक कामों में हस्तक्षेप भी कई बार चीजों को बिगाड़ देता, तो उस पे बैलेंस बना के चलने की जरूरत है और इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन योगी जी ने जो आम आदमी को, गरीब आदमी को जो सुरक्षा प्रदान की है उसका फायदा योगी जी को उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में मिले। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिरोही सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, नमस्कार।